ये आपका फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड सेक्स इसके बारे में। टेस्टोस्टेरोन यह एक हार्मोन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। ये आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। टेस्टोस्टेरोन यह एक नैसर्गिक एंड्रोजन है, एक हार्मोन है, एंड्रोजन, नेचुरल एंड्रोजन। वो टेस्टिकल्स जो है उसके जो लीडिंग सेल्स है, टेस्टिकल मतलब जो दो गोले रहते हैं पेनिस के नीचे, उसको टेस्टिकल बोलते हैं। तो वो टेस्टिकल्स में लीडिंग सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन जब ब्लड में आता है तो उसके वजह से फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप होते हैं। और वो मतलब क्या है कि अपना जो आवाज है, तो आवाज बड़ा होना, मेल टाइप होना, क्योंकि बच्चा जब आदमी बनता है तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन अभी बहुत जोर से अभी प्रिपरेशन होना चालू हो गया। यदि उसका आवाज यदि बारीक है, लड़की जैसा है, तो समझना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, हो सकता है। तो मतलब चेहरे के बाल कम आना, फिर बगल में जो केस बाल रहते हैं वो कम रहना, तो ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्ट जो है तो वो डेवलप होते हैं यदि टेस्टोस्टेरोन कम है। तो उसमें सेक्सुअल डिजायर भी कम हो सकती है यदि टेस्टोस्टेरोन कम लेवल है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन कब देना चाहिए? टेस्टोस्टेरोन तभी देना चाहिए इंजेक्टेबल रूप में या टेबलेट रूप में होगा अवेलेबल, तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ब्लड में कम है। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ब्लड में कम है, खून में कम है, तो टेस्टोस्टेरोन का फायदा हो सकता है। अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन देके कुछ नपुंसकत्व ठीक होता नहीं है। टेस्टोस्टेरोन देके नपुंसकत्व ठीक होगा ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन देने के पहले सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करना चाहिए, यदि कम है तो ही टेस्टोस्टेरोन देने को ना, मगर उसके पहले रेक्टल एग्जामिनेशन करना जरूरी है कि भाई प्रोस्टेट का साइज कैसा है, या प्रोस्टेट का कोई नूडल है क्या, या प्रोस्टेट की एग्जामिनेशन करना जरूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर होने की संभावना टेस्टोस्टेरोन देने में ज़्यादा हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसे बहुत लूजली कभी प्रिस्क्राइब नहीं करना। टेस्टोस्टेरोन मिडिल मतलब समझो बच्चा है, लड़का है मतलब, और यौन पदार्पण कर रहा है और वहीं टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो गया, तो फिर क्या होगा? वो बच्चा ही देखेगा, मतलब उसको मूछ नहीं है, बाल नहीं है, यहाँ दाढ़ी नहीं है, बगल में बाल नहीं है, नीचे बाल नहीं है, तो ऐसे डेवलपमेंट जो है वो उसका होगा नहीं, और आवाज भी उसका बच्चे जैसा रहेगा। तो उसमें फिर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि मिडिल एज के बाद में, मतलब 35-40 साल के बाद में यदि कम होता है, तो वहां भी देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है। यूजुअली अक्सर होता नहीं है, बहुत ही अनकॉमन है, मगर यदि होता है तो फिर अपने को टेस्टोस्टेरोन मार्च देना पड़ेगा। अदरवाइज नपुंसकत्व के लिए मतलब इम्पोर्टेंस के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन यह कोई दवाई नहीं है, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन कोई दवाई नहीं है। तो कृपया दवाई टेस्टोस्टेरोन या गोली इंजेक्शन कभी लेने का नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेने से बाकी भी लीवर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, यदि टेस्टोस्टेरोन लिया जरूरत नहीं है तभी भी, तो लीवर प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, तो यूजुअली लेना ही नहीं चाहिए। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन कभी कभी कुछ इसमें कभी लोगों ने देखा हुआ है लेते हुए, और फीमेल टेस्टोस्टेरोन लेती है तो क्लाइटोरिस का साइज बड़ा होना, चेहरे के ऊपर बाल आना और बाल्डनेस आना, ऐसा फीमेल्स में भी दिखाई देता है। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ही केयरफुल लेना जरूरी है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन में टेस्टोस्टेरोन डॉक्टर के सलाह से लेना जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।